पुनरुत्थान पर की आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की आराधना को आरंभ करेंगे और आरंभ करते हुए साक्षीवाणी से गीत गाएंगे, गीत संख्या 66। साक्षीवाणी गीत संख्या 66, हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया, सब गौ ख्रीष्ट की होवे जय। हालेलुया।
जो हमें मिलता है मरकुस रचे सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 1-8। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें यहाँ मिलता है। जब विश्रामवार बीत गया तब मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगन मोल लिया कि आकर यीशु को मले, और अठवारे के दिन बड़ी भोर सूर्य उदय होते ही कब्र पर आए, और वे आपस में बोली, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर का पत्थर लुढ़काएगा? परंतु उन्होंने दृष्टि कर देखा कि पत्थर लुढ़काया गया है, और वह बहुत बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने उजले लंबे वस्त्र पहने हुए एक जवान को दाहिनी ओर बैठा देखा और चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर घात किया गया ढूंढती हो? वह जी उठा है, वह यहाँ नहीं है। देखो, यही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा। परंतु जाकर उसके शिष्यों से और पितरों से कहो कि वह तुम्हारे आगे गलील को जाता है। जैसे उसने तुमसे कहा वैसे तुम उसे वहाँ देखोगे। वे सिर निकल के कब्र से भाग गए और कंपित और विस्मित हुए और किसी से कुछ ना बोली, क्योंकि वे डरती थी। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। शक्तिमान मेरी रखवाली कर, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। हे मेरे प्राण, तूने परमेश्वर से कहा है कि तू ही प्रभु है, मेरी भलाई तुझ बिन नहीं। उन संतों के संग जो पृथ्वी पर है और उत्तमों के जिसमें मेरा सारा आनंद है, उनके शोक बहुत होंगे जिन्होंने आन देव के संग गठबंधन किया है। उनके लहू के तपावन में ना तपाऊंगा और ना अपने होठों से उनके नाम लूंगा। परमेश्वर मेरा ठहराया हुआ भाग और मेरा कटोरा है, तो ही मेरे पासे को बढ़ती देगा। मापने की रस्सियां मेरे लिए मन भावने स्थानों में पड़ी है। हाँ, मेरा अधिकार सुधरा है। मैं परमेश्वर का धन्य मानूंगा जिसने मुझे मंत्र दिया है। हाँ, रात को मेरे अंतकरण ने मुझे सिखाया है। मैंने परमेश्वर को सदा अपने सामने रखा है, क्योंकि वह मेरा दाहिना हाथ है, मैं ना टलूंगा। इसलिए मेरा मन मगन हुआ और मेरी विभव ने आनंद किया। हाँ, मेरा शरीर चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण समाधि को ना सौंपेगा। तू अपने धर्म में को सड़ने ना देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग बताएगा। मेरे आगे आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सनातन का विलास है। आमीन। हम लोग आगे साक्षी वाणी से गीत गाएंगे, गीत संख्या 73। साक्षी वाणी गीत संख्या 73। धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय, कृपा भरा ख्रीष्ट उत्थान दिन। Thank you.
परमेश्वर पिता और जी उठे यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो कि आज इस आनंद के मेले में तूने हम सबों को लाया है, कि हमारा जो विश्वास का मूल विषय है उसको हम लोग एक साथ अंगीकार कर पा रहे हैं कि निश्चय प्रभु यीशु मसीह तो जी उठा है और हम जो तुझ में रुपए गए हैं हम भी तेरे कारण प्रभु जी उठेंगे। इस समय तेरे वचन पर ध्यान करना चाहते हैं तो आप हम सब से बातें कर यीशु नाम है। हम लोग आज के मनन के वचन पर ध्यान करें। हम लोगों ने जो वचन सुना मरकुस 16 एक से आठ उसी पर हम लोग मनन करेंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज बड़े आनंद का दिन है पूरे मसीह समुदाय के लिए, क्योंकि आज हम पुनरुत्थान पर्व मना रहे हैं। यह पर्व हमें आनंद लाता है। हमारे दिन में बहुत सारे सुख दुख के अनुभव होते हैं और सबसे दुखद अनुभव वह होता है जब अपने प्यारों को, अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को मृत्यु के द्वारा अपने से उछलते हुए देखते हैं, अनुभव करते हैं। हम जब कब्रिस्तान में जाते हैं दफनाने के लिए रोते हुए वहां पहुंचते हैं, परंतु आज के दिन में हम कब्रिस्तान पहुंचते हैं परंतु एक शोक मनाने के लिए नहीं, या सामूहिक शोक मनाने के लिए नहीं, परंतु आनंद मनाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। और हम जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं और जो उस पर अंत तक विश्वास रह के यहाँ से विदा होंगे, वे जी उठेंगे अनंत जीवन के लिए। मसीह में प्यारों, आज से वर्षों पहले एक सुबह मरियम मगदलीनी और श्रेया कब्रिस्तान पहुंची। उनके लिए बहुत दुखद अनुभव था क्योंकि यीशु को वे लोग मरते हुए देखे थे बहुत निकटता से और उसको दफन कर दिया गया था। सप्ताह के पहले दिन भोर को वे कब्रिस्तान पहुंचे और वो आनंद समाचार मिला कि निश्चय प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। वे आनंद मनाते हुए दूसरों को समाचार देने पहुंचे। बाइबल में वर्णन किया गया है कि जब आदम पाप में गिरा हवा ने उसे फल दिया था। मनुष्यों में विचार है बहुतों में और लोग अनजाने में अपने ऐसे ही कह देते हैं कि स्त्रियों के द्वारा संसार पर पाप आया। परमेश्वर बातों को समझता है, जानता है और यह आनंद का समाचार कि यीशु मसीह जी उठा, परमेश्वर ने स्त्रियों को, महिलाओं को इस्तेमाल किया कि सबसे पहला समाचार उन्हें दिया गया और वे दूसरों को जाकर बताने लगे। यीशु के चेले तो थे लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुना। क्या केवल स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, सबों के लिए है? और मसीह वर्ग के लिए पर सबों के लिए आनंद का विषय है कि यीशु मसीह जी उठा है। हम ख्रिस्त विश्वासी जो है, परमेश्वर हमें अपने राज्य में बुलाया है और जो यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने हमारे अंदर में विश्वास का बीज डाल दिया है और सब पुनरुत्थान का अनुभव भी होता है कि हम विश्वास के किसी भी स्तर पर हो, चाहे विश्वास में कमजोर हो, बहुत मजबूत हो या बहुत बहुत कमजोर हो, हर एक ख्रिस्त विश्वासी में परमेश्वर ने पुनरुत्थान की आशा को डाला है। और जो प्रभु में विश्वास करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, मृत्यु को भय प्रत्येक के अंदर से धीरे धीरे घटते चले जाते हैं। इसलिए जब हम पुनरुत्थान के पर्व के रोज कब्रिस्तान में आते हैं या दूसरे समय भी कब्रिस्तान में आते हैं, हम भयभीत होकर नहीं पहुँचते हैं कि यहाँ अपने प्रियजनों को विदा दिए हैं, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर छोड़े गाड़े हैं होकर, परंतु हर एक ख्रिस्त विश्वासी के अंदर यह विश्वास पाया जाता है, चाहे
संसार की नजर में, किसी की नजर में वो सबसे कमजोर पुष्ट विश्वासी है, लेकिन एक सबसे कमजोर विश्वासी के अंदर भी पुनरुत्थान की आशा परमेश्वर डाल के रखा है। इसलिए हमारे अंदर से वो भय घटते चला जाता है और जो विश्वास में बढ़ते हैं प्रभु में, निकटता में रहना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके अंदर पुनरुत्थान की आशा प्रतिदिन बढ़ते चली जाती है। इसलिए जब हमारे जीवन पर मृत्यु के संकट आते हैं, जब हम बुढ़ापा की ओर बढ़ते हैं, तो जो सच्चे विश्वासी होते हैं अपने प्रियजनों को छोड़ने का तो शोक मनाते हैं, अफसोस करते हैं, लेकिन दूसरी ओर इस बात से आनंदित होते हैं कि जब मैं इस शरीर को छोड़ूं तो मैं यीशु को देखने पाऊं, और केवल उसे नहीं परंतु जो प्रभु में वहां पहुंच रहे हैं उन्हें भी मिल पाऊं, ताकि जिनको हम लोग आंसू बहाते हुए विदा किए हैं उसको नए आनंद में देख पाऊं। मसीह में प्यारों, परमेश्वर की बुलाहट हर एक ख्रिस्त विश्वासी को दिया गया है, और यह विश्वास जो हमारे अंदर में है यह मन को केवल तसल्ली देने वाले नहीं है कि मान लिया जाए कि प्रभु यीशु से जी उठा उसको मान कर चले, परंतु परमेश्वर ने हर एक मसीह के जीवन पर पुनरुत्थान की आशा को डाला है, और हर एक ख्रिस्त विश्वासी के अंदर विश्वास है, और यह समय है पुनरुत्थान पर्व के समय कि उस विश्वास के अनुसार हम लोग फिर से अपने विश्वास में नवीनीकरण पाए। आज की जो हालात है, जो संसार में महामारी के कारण हम लोग अलग अलग स्थानों पर हैं, हम लोग अपने स्थान पहुंचते हैं पुनरुत्थान को लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हम लोग जहां कहीं भी हैं परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। समय आया है कि हम विश्वास और मजबूत हो पाए, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है, इसलिए हमारी मृत्यु चाहे कल आए, चाहे एक महीना या एक साल बाद या बहुत वर्षों बाद आए, हमारे लिए मायने नहीं रखता है, परंतु यह मायने रखता है कि हम प्रभु में हैं कि नहीं, और निश्चय जो ख्रिस्त में रोपे गए हैं वे उस फल को पाएंगे। परमेश्वर ने हर एक ख्रिस्त विश्वासियों के लिए जीवन का मुकुट फहराया है, और उसके लिए एक बात निश्चय उसने प्रकट किया है कि अब तक विश्वासी रह तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो उसकी बुलाहट पाएं, हम उस बुलाहट से पीछे ना हटें, वरन परमेश्वर प्रतिदिन बढ़ें, और यदि हम लोग पाप करके भाग जाते हैं, गिर जाते हैं, दोबारा उठना है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि अपने पाप को पहचान पाए और मन पूरा पाए। परमेश्वर दयालु है, दया में बड़ा है। प्रकाशित वाक्य में एक पुनरुत्थान के बड़े आनंद का वचन लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 7:9-17 में लिखा हुआ है। एक बड़ी भीड़ की चर्चा की गई है जो परमेश्वर पिता के सिंहासन के सामने और मेमने अर्थात परमेश्वर का मेमना जो यीशु मसीह के सामने खड़े हैं, और जो खड़े हैं उनकी संख्या पता है कि अनगिनत है, हर एक जाति कुल भाषा में से, और जो लोग वहां पहुंचेंगे उनके बीच में जो मुख्य बात और अनिवार्य बात है कौन पहुंचेंगे, उसमें परमेश्वर का वचन ऐसा लिखता है, इसमें लिखा हुआ है, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर शुद्ध किए हैं। परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन पर है, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु ख्रिस्त के लहू से हर एक के लिए त्राण कमाया है, हर एक मनुष्य जाति के हर एक व्यक्ति के लिए, और जिन्होंने उसे ग्रहण किया है उन्होंने उस ज्योति उस जीवन को पाया है। हम ख्रिस्त विश्वासियों ने यीशु को ग्रहण किया है, हम प्रभु में बपतिस्मा के द्वारा रोपे गए हैं, और जो प्रभु में है और जो अंत तक रहेंगे निश्चय प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार जी उठा वैसा हम भी जी उठेंगे, इसी बुलाहट में हर एक कोई बुला रहे हैं। मसीह में प्यारों, परमेश्वर की अद्भुत बुलाहट हम सबको दी गई है। परमेश्वर दया करे कि हम परमेश्वर के बुलाहट में बढ़े, ताकि जब हम आगे बढ़ें और संसार में मृत्यु को प्राप्त करें हम जी उठें ख्रिस्त के साथ रहने के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत के आशीष दें, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरा धन्यवाद हो कि तूने प्रभु हमारे त्राण के लिए, हम
हम सबों के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और तूने हम सब मनुष्य जाति के लिए त्राण का काम पूरा किया है। हे पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट को मृतकों में से जिला उठाया और हमारे लिए आशा दी है कि जो हम ख्रिस्ट यीशु में है, हम भी जैसा यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठेंगे। हे पिता, हर एक ख्रिस्ट विश्वासी की सहायता कर कि हम जो तेरी गुलाट पाए प्रभु, इसमें कोई भी भटकने ना पाए, वरन प्रभु जीवन का मुकुट जो तूने हमारे ठहराया, हम सभी उसे प्राप्त कर सके। और हम प्राप्त करते हैं संसार के हर एक व्यक्तियों के लिए प्रभु, तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से हर एक को स्पर्श कर कि हर एक कोई ख्रिस्ट के पुनरुत्थान की आशा में बढ़ने पाए, ताकि प्रभु जो आशीष तूने संसार के हर एक लिए ठहराए, हर एक कोई उसे प्राप्त करने पाए। पिता, यह प्रार्थना यीशु नाम से दया से ग्रहण करें, आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के मन और अंतकरण की रक्षा करे अब से सदा लोग। हम लोग आगे साक्षीवाणी से गीत गाएंगे, गीत संख्या 69। साक्षीवाणी गीत संख्या 69। ख्रिस्ट यीशु ने हराया शैतान का सारा दल। जाए तो भी जिएगा, मैं जीता हूं तुम भी जियोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक लोग ईश्वर के पुत्र का सब सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। पिता की इच्छा जिसने मुझे भेजा है या है कि जिन्हें उसने मुझे दिया उसमें से किसी को ना खो, परंतु उन्हें पिछले दिन में उठाऊंगा। मेरे भेजने हारे की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए
और मैं उसे पिछले दिनों में उठाऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र के जी उठने के द्वारा हम लोगों को जीवन की आशा के लिए फिर से जन्माया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू इनके लिए भी, जो इस स्थान पर पुनरुत्थान के दिन के लिए सो रही है, हम लोगों को बड़ी शांति और आशा दी है, और हम यीशु ख्रिस्त के नाम से तेरी विनती करते हैं कि तू अपने पुत्र के जी उठने के द्वारा हमारे मनों में सच्चा विश्वास उत्पन्न कर, दृढ़ा जिससे तेरे इकलौते पुत्र हमारे मुक्तिदाता पर विश्वास करने से हम भी अनंत जीवन के लिए जी उठे। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हुए कोरोना से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के सभी राज्य के मुख्यमंत्री, विशेषकर झारखंड के मुख्यमंत्री, हमारे कलिशिया मंडली को आपके हाथ में सौंप देती हैं। देश के सभी जवानों जो इस समय कठिन सेवा दे रहे हैं, अस्पतालों में दिन रात सेवा देने वाले सभी डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी जो ईमानदारी से निस्वार्थ सेवा देकर अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें आशीष दी। इस देश के लोगों को भूख, बेरोजगारी, बीमारी, संकट, अकाल और दुख में संभाल। कोरोना के चपेट में आए हुए विश्व के सभी लोगों को आप अपने धर्म हाथों में सुरक्षित रख, सभी समुदाय के बीच में प्रेम, एकता, भाईचारा, शांति दे और कोरोना के भयंकर वायरस से हमें बचा। हमें पश्चातापी मन हृदय दे ताकि हम परमेश्वर के निकट आए और आत्मिक जीवन व्यतीत करें और सब संतों के संग सदा लो तेरी स्तुति करते रहे। आमीन। हम लोग इस समय साक्षीवाणी से गीत गाएंगे, गीत संख्या 76। साक्षीवाणी गीत संख्या 76। यीशु ख्रिस्त जी उठा है, हल्लेलुया। आज हम कहे उसकी जय, हल्लेलुया। Thank you.
से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। शक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी को ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कौशल देवे। आमीन। सभों को पुनरुत्थान पर्व की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।